साथियों गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही अच्छे हो। तो मैं आ चुका हूं इस समय मोहन कोल्ड स्टोर के बाहर। यही जो कोल्ड है मोहन कोल्ड स्टोर है, यह कोल्ड सराय प्रयाग जो है गुरसाईगंज से लगभग 5 किलोमीटर पीछे ही पड़ता है। तो इस कोल्ड के अंदर चलेंगे, जानेंगे यहाँ के जो मैनेजर साहब हैं व यहाँ पर आए हुए किसान भाई और भी अन्य जो कर्मचारी हैं, इनसे जानेंगे कि यह कोल्ड अभी तक कितना परसेंट तक भर गया है और कोल्ड की स्थिति क्या रहेगी आने वाले समय में। जो आलू का भविष्य है वो कैसा रहेगा। तो साथियों प्लीज़ आप लोग अगर चाहोगे ना तो हम आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, पास में बेल आइकन जो आता है इसे भी प्रेस कर दिया करो। तो चलिए चलेंगे कोल्ड के अंदर, जानेंगे कि कोल्ड की स्थिति कैसी रहती है। तो चलो करेंगे बैक कैमरे से बात किसान व व्यापारी भाइयों से। साथियों यह जो कोल्ड स्टोर आप देख रहे हैं, ये मोहन कोल्ड स्टोर, ये जो है सराय प्रयाग कन्नौज में पड़ता है। तो चलेंगे इस कोल्ड के अंदर और जानेंगे किसान व व्यापारी भाइयों से कि जो आलू का भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, अभी तक कोल्ड स्टोर जो है वो कितने परसेंट तक भर चुके हैं। तो साथियों मेरे साथ आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो में ना ज़्यादा जानकारी मिलने वाली है आपको। तो चलिए मेरे साथ किसान चाचा, क्या नाम है आपका? बाल गोविंद। कहाँ से आते हैं आप इस कोल्ड में? सराय प्रयाग से। अभी तक ये जो कोल्ड स्टोर है वो कितने परसेंट तक भर गए होंगे? 70%। अभी तक आपके क्षेत्र में आलू की खुदाई कितनी बाकी है? आलू खुदाई बस 4 दिन की है। 4 दिन की रहेगी, मतलब अनुमान लगाया जाए तो 10% माने 25% से ज़्यादा नहीं, 20% के आसपास होगी। अच्छा तो क्या लगता है कि इस साल जो आलू का भविष्य है वो कैसा रहने वाला है? आलू भविष्य तो खराब हो ही चुको, पर साल के 2000 दोनों बिचे। अच्छा, जैसे कि लोगों के ऊपर भूत सवार है कि भैया जो आलू का भविष्य है वो अच्छा रहने वाला है, तो क्या लगता है इस साल आपको? ये कौन, ये कोल्ड को आलू 600-700 में तो भले ही 700 में बिक जाए। अच्छा, लेकिन इस कोल्ड में कौन कौन से आलू ज़्यादा आते हैं? आलू श्रीनाथ, सिंदूरी, कंचन और हरजन आलू बहुत कम। अच्छा अच्छा, जो अपने सफ़ेद आलू हैं ख्याति पुखराज, ये बिल्कुल नहीं? हाँ, ये मतलब 1-5%। अच्छा अच्छा, तो जैसे अपने यहाँ पिछले साल के बच्चा से जो आलू की उपज थी वो कैसी है, ज़्यादा है या कम है? ज़्यादा तो है, ज़्यादा निकल रही है आलू। हाँ। अच्छा यहाँ मतलब, तो आपके हिसाब से किसान भाइयों को क्या करना चाहिए था, आलू बेच देना चाहिए था या रखना चाहिए था? अभी आप जाकर कोई आलू नहीं जान लगा, सुंद प्रांत मारो जाए जी। नहीं जैसे आपको क्या अनुमान, क्या आपका अनुमान तो खराब ही है ना? अच्छा 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 अच्छा, अनुमान तो खराब है। ठीक ठीक, आलू किसान है हमारे साथ में, क्या नाम भैया आपका? मनोज। कहाँ से आते हो? अभी आपके क्षेत्र में आलू की खुदाई कितनी बाकी है? 20% है लगभग। 20% बाकी है, तो अभी तक के जो कोल्ड स्टोर है वो कितने परसेंट तक भर गए होंगे? 80 भर गए लगभग, 20 रही है बाकी। ये कौन सा कोल्ड स्टोर है? मोहन स्टोर, पुराना मोहन कोल्ड स्टोर है। तो क्या लगता है इस साल आलू का जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है? जो खरीद चल रही जाए सब ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। अच्छा, अगर नीचे हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी लोगों को। 80% भर गए, 70% 80% 80% तक हो पाएंगे बस। अच्छा, तो जैसे कि क्या लगता है कि अभी जो आलू की खुदाई हो रही है वहाँ आलू की उपज जो है वो कैसी निकल रही है, कम या ज़्यादा? पैदावार तो ज़्यादा है, मतलब अगले साल से ज़्यादा ही है। अच्छा, अगले साल से ज़्यादा है। अच्छा अच्छा, तो किसान भाइयों को क्या करना चाहिए था, आलू बेच देना चाहिए था या रखना चाहिए था? घर बिछे मद्दा में, आपने क्यों रखा फिर? आपने कहा जुआ आया खेले, जुआ आया तो 8 दिन में बेचे दाम है। तो जैसे कि सभी यही सोचेंगे जुआ है तो फिर तो कोल्ड ऑटोमेटिक भर जाएंगे, फिर भविष्य खराब हो जाएगा। अच्छा, ऐसी संभावना तो नहीं लग रही मुझे फिक जाने की। चले गए, अब नहीं फिकता है भैया, अब इतना खाने वाले हो गए, अगर बड़ा है तो खाने वाले भी तो हो गए ना। किसान जाओ उम्र गड्ढे थे। अच्छा अच्छा, सब अपनो आइए ही बाड़ाना है ही। अच्छा अच्छा, यही बाड़ा है ही, जो होगा देखा जाएगा। देखो। अच्छा अच्छा, तो चलिए चल के देखते हैं बाहर बरामदे में कितनी क्या कैसी क्या। इधर आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पीछे बैकग्राउंड में, इधर जो हमारे पलेदार भैया होते हैं वो यहाँ पे आलू ला रहे हैं। यहाँ पे जो वो लगी है मशीन, उससे आलू को ऊपर किया जाता है, दूसरी मंजिल पे जा रहे हैं आलू, आप लोग देख पा रहे हैं। और चलिए बाहर,
हमारे साथ में दादाजी हैं ज़्यादा, क्या नाम है आपका? तेज बोलिए थोड़ा। राम। अच्छा ये कौन सा कोल्ड है? मोहन कोल्ड स्टोर। ये कहाँ पे पड़ता है? सराय प्रयाग में। दादा जो आलू की फसल है पिछले साल की अपेक्षा से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा। दादा बताएंगे। तो दादा क्या लगता है अभी तक कोल्ड स्टोर कितना परसेंट भर गए होंगे? जैसे क्या लग रहा है आलू का जो भविष्य है वो कैसा रहेगा? नहीं अनुमान एक होता है, अनुमान अनुमान पर जाएंगे तो भविष्य आगे खराब रहेगा। तो जैसे दादा क्या लग रहा है इस साल जो आलू का भविष्य है वो कैसा रहने वाला है? अभी कोई कुछ क्लियर नहीं कहा जा सकता है। अच्छा तो एक वो कहावत कही गई है भाव मीच बरसा, इसका कोई पता नहीं होता कब क्या हो जाए। तो जैसे कि एक अनुमान लगाया जाता है, जैसे कि आप किसान हैं आप बहुत सालों से आलू करते होंगे, क्या लगता है कि हर साल इतनी भीड़ लगती थी कोल्डो में? क्यों दादा? क्या चीज? एक महीना ना ही पड़ी हो। एक महीना कैसे पड़ गया? एक महीना मतलब लोन महीना है तो। अच्छा वो पड़ी हो। हाँ वही सच्चाई है। हाँ लेकिन महीना के हिसाब से फागुन। अच्छा अच्छा सही था, अगर लोन ना होती तो सही रहता आलू का भविष्य। अच्छा अच्छा अभी आपके क्षेत्र में आलू की खुदाई कितनी बाकी है? हमारे क्षेत्र में नेक रही। अच्छा ठीक। तो क्या लगता है कि अभी जो किसान भाइयों को आलू कोल्ड में रखना चाहिए या बेच देना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों से? अरे इसकी तो अभी भविष्य में मतलब कोई नहीं क्लियर कह सकता है ना मतलब। अच्छा हाँ मतलब महंगा भी हो सकता है सस्ता भी हो सकता है आगे चल के मतलब। हाँ कोल्ड स्टोर फुल हो जाएंगे तो मतलब थोड़ा डाउन होगा जी। ये अच्छा ये बताओ अब की बार आलू में पैदावार कैसी है पिछले साल की अपेक्षा से? पिछले साल की अपेक्षा लगभग 2-4% बड़ी ही है मतलब कम नहीं है। ज़्यादा मतलब हमें लग रहा सही है कि ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है ना। और ख्याति आलू तो वैसे भी मतलब अच्छा अपने यहाँ 37 हज़ार में नहीं होता है? 37 हज़ार में होता है भाई 10% आलू होता है मतलब। उसमें पैदावार कैसी निकल रही, कम या ज़्यादा? कोई उसमें तो कम वैसे भी निकलती है, ख्याति चक्कर कोई लेता है। अच्छा 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 तो भैया आप लोग देख पा रहे हैं ये ख्याति आलू है भैया का। ये कई बीघा का आलू भैया टोटल? ये 3 बीघा का है अभी, एक ट्राली भी बाकी है। ये 3 बीघा का आलू है, ख्याति आलू है। कम से कम ये कितने कट्टे बन जाएंगे 3 बीघा में? 80 रुपये के लिए बीघा निकलेगा। 7×21 210 200 के ऊपर कट्टे इसमें निकलेंगे। तो आप लोग देख पा रहे हैं ये ख्याति आलू है भैया।